प्रदेश सहित कोटा में की जा रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर सोमवार को भाजपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा और इसी के विरोध में आज भाजपा युवा मोर्चा और हड़ोती नवनिर्माण परिषद कोटा संभाग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नयापुरा स्थित बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर एक दिन का उपवास कर विरोध दर्ज करवाया। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा के समय पर घोषित और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम आदमी बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि VCR के नाम पर बिजली कंपनियां आम आदमी को परेशान कर रही हैं और अनेक तरह के सरचार्ज लगाकर लोगों से मोटी रकम वसूलने का काम किया जा रहा है। सरकार की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोटा शहर सहित पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, वो आज हम उसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोदी के खिलाफ, इस राजस्थान सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ उपवास पर बैठे हैं। कोटा शहर में लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है, रात रात भर लाइटें जा रही है। जब जिम्मेदार अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है तो कई कई घंटों तक उनका जवाब नहीं मिलता, फ़ोन उठाए नहीं जाते। ऐसी स्थिति में जब परीक्षाओं का समय है, विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं और इतना लंबे तक अघोषित बिजली कटौती करना अपने आप में बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि शहर की विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। जिस प्रकार से बिल बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो वादा किया गया था कि 8 घंटे निर्बाध रूप से बिजली दी जाएगी, वहाँ पर 1 या 2 घंटे बिजली दी जा रही है। केवल बिल और VCR के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जिन जगहों पर 2 घंटे 1 घंटे बिजली जलती है, वहाँ पर भी 2000 से अधिक के बिल पहुँचाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और खास करके इस गर्मी के मौसम में जहां बिजली की अत्यंत आवश्यकता है और सब्सिडी के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। जो 50 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई थी, आप देखिए अभी के जो मीटर चल रहे हैं वो मीटरों में 51 यूनिट के ऊपर से बिल बढ़ के आ रहा है, यानी कि सब्सिडी कहीं किसी को मिल ही नहीं रही है। और लगातार सरचार्ज अन्य करों के नाम पर आम उपभोक्ता को ठगा जा रहा है और पूरी तरीके से ये व्यवस्थाएँ विद्युत विभाग की फेल हो चुकी है। JVNL वाले KDL पर बात डालते हैं, KDL वाले JVNL पर डालते हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज हम उपवास के माध्यम से हमारी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन चीफ जोनल को देंगे और अगर फिर भी विद्युत आपूर्ति नहीं सुधरती है तो कोटा शहर के हर विद्युत विभाग कार्यालय पर जाकर युवा मोर्चा हड़ौती परिषद का कार्यकर्ता प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को 8 घंटे की बिजली दी जाएगी, लेकिन सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। अगर जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो सभी बिजली के दफ्तरों पर जाकर हड़ौती नवनिर्माण परिषद और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जबकि टीवी के कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।